हेलो गाइस, मैं हूं अमित और भाई साहब। आज हम आ चुके हैं आप लोगों के कहने पर एक बार फिर से ट्रेजर हंट के पार्ट टू में, कबाड़ वर्जन में। जी हां दोस्तों, आपको बताया कि हम जो है कबाड़ वर्जन में क्या करते हैं। गाइस एक कांटा चुभ गया, पहले इसको निकाल लेता हूं। पिछले वीडियो में जिनको नहीं पता गाइस बता देता हूं, हम बहुत सारे कबाड़ियों के पास में गए थे और यार कबाड़ियों के पास ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमने सोची नहीं होती, जो कि वेस्ट हो रही होती हैं, लेकिन हमने उन चीजों को ला करके अपने काम का बना दिया था। और सोचो जो चीज खराब हो गई, डिस्कार्ड हो गई, इसका कोई यूज नहीं है, किसी दूसरे के लिए वो हमारे लिए यूजेबल है, तो हमारे लिए तो गाइस वो खजाना ही हो गया ना। तो आज हम और कबाड़ी के पास जाने वाले और देखते हैं कि हमको क्या क्या मजेदार चीजें मिलने वाली हैं। तो गाइस फटाफट से शुरू करते हैं और आप लोग इस वीडियो के लिए भाई साहब जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा देना। दोस्तों पिछले बार भी यार मैंने सोचा नहीं था कि इतनी सारी काम की चीज़ें मिल जाएंगी और आप लोगों को भी यार इतना मज़ा आया उसके अंदर कि हम दूसरे बार निकल चुके हैं और आज जो है गाइस और नई नई चीज़ें ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं होता। इंटरेस्टिंग पार्टी सबसे यही है कि पता ही नहीं होता कि क्या मिल जाए, क्या दिख जाए, और जो चीज़ किसी के ने फेंक दी, किसी ने कबाड़ में बेच दी, वो हमारे बहुत ज्यादा काम आ जाए। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हाईवे किनारे और यहाँ पर है बहुत सारा स्क्रैप। फिर से ढूंढते हैं हमारे काम की चीजें। यहाँ पर एक इंजन है, देखा कुछ ना कुछ चीज मिलेगी इसमें। गाइस हमको एक लाइटर मिला है, पता नहीं काम करेगा नहीं, देखते हैं। एक आरी है यहाँ पे गाइस, जो कि काफी जो है अभी तो इस पे जंग लग रखी है, लेकिन देखते हैं हम इसका क्या कर पाते हैं। ये है भाई साहब चेनसो की चेन, तो हमारी चेनसो में लगा के देखेंगे इसको। गाइस यहाँ पर जो असली का खजाना मिल चुका है, कबाड़ में एक रुपए मिल चुका है, एक रुपए। तो भाई घुस गए हैं कबाड़ के अंदर। ये कबाड़ में भैया आपकी है क्या? ये कबाड़ में ले जाए इसको, दे दो यार भैया है जी, तो आपके पास तो और आ जाएगी यार। अच्छा जी, ये ऐसे करने काम आती है, ऐसे करके आइए काम आओ चलिए। चलो बहुत बढ़िया, समझ गया जी, बिल्कुल धन्यवाद। हम इसमें काम की चीज ढूंढ रहे हैं, हमारे काम की कुछ मिल जाए। मान लो हेडलाइट जलेगी, ओ वाओ। और इसमें तो बल्ब भी है भाई, ये गाड़ी की हेडलाइट है जो कि पूरी सही है। चलो इसमें एक बार लाइट लगा के देखेंगे। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं लेके जाएंगे हम। गाइस ये जो है ना, ये इनके चाय पीने का बर्तन है, ये नहीं लेके जाएंगे। अच्छा इसमें चाय भी है, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी। और गाइस यार जो फील आती है ना यार स्क्रैप में से काम की चीज़ें ढूंढने में, वो बहुत अलग होती है, क्योंकि जो चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं। अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ये रहा गाइस एक कंघा। खराब चीज़ों से बढ़िया चीज़ बना, एक तो ये तो रिसाइकल होगा। हम रिसाइकल नहीं कर रहे, हम रीयूज़ कर रहे हैं, बिना मतलब रिसाइकल करें। जो चीज़ काम की है ना, वो चीज़ें तो हमारे काम आ जाए या दूसरों काम आ जाए। ओ तेरी, इधर लोहे का सामान है बहुत सारा, बस गिरना नहीं है मुझे। कैमरा देना एक बार गाइज, मैं आपको देखो यहाँ पे नज़ारा दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर जो गाइज मैं इस कबाड़ के ऊपर चढ़ चुका हूँ और फिलहाल बड़ी मुश्किल से बैलेंस बना रहा हूँ, आगे जाने की कोशिश करूँगा और देखते हैं कि इसमें हमको कुछ काम का मिल पाएगा या फिर नहीं। तो एक पीपा ले लो, पकड़ो, बढ़िया पकड़ो। एक पुराने जमाने का लैंप मिला है यहाँ पे, ये वाला। यहाँ पर एक चाकू मिला है जो कि बहुत ज्यादा घिसा हुआ है, लेकिन शायद काम आ सकता है। पकड़ियो, इधर देखो चाकू है, चाकू। चला चला, देखो भाई कभी कभी कबाड़ में क्या मिल जाता है, इसके अंदर वो जो टिकड़ी होती है ना वो डलेगी और ये चले भी गी। अरे वाह,
पिछली बार बड़ा मिला था गाइस, इस बार हमको जो है छोटा इस तरीके का नाप मिल गया है और एक बाल्टी मिल गई है बढ़िया सी। गाइस एक स्पेशल चेयर है यहाँ पर जिसके बीच में जो है होल है। ओए ले ले क्या क्यों? भाई गाइस आपको पता है ना ये चीज किसके काम आती है? अरे मस्त है, बढ़िया, ले लो ले लो। गाइस यहाँ पर जो है हमको एक छोटा सा टायर मिला है, बहुत छोटा है देखो। हवाई जहाज में लगता है गाइस, हेलीकॉप्टर में शायद। गाइस यहाँ पर जो है खजाना रखने के लिए हमको मिल चुकी है हमारी संदूक, लेकिन खजाना नहीं मिला बस। लग तो सही रहा है, चेक कर लेंगे। वॉल्व है ये, एक फव्वारा स्प्रिंकलर। गाइज यहाँ पर एक किस मी लिखा हुआ है और ये जो है ना पकड़िए, ये पुराने टाइम का वो कैसेट है। यही तो है इसके अंदर? नहीं नहीं, इसके अंदर है दूसरा। अच्छा ये अलग है, इसके अंदर भी होगी। चलो आपको यही दिखा देते हैं। इसके अंदर गाइज ये चीज़ है, ये जो है पता है पुराने समय में जो मूवीज होती थी वो तो बड़े रील्स में आती थी, और ये जो छोटे रील्स है ये काम आते थे गाने वगैरह के, म्यूजिक के या फिर छोटी वीडियोस के। देखो इसके अंदर जो है पूरे गाने के गाने होते, तो इनको भी लेके चलते हैं यार, यूनिक चीज है। कच्चा बादाम दादा, कच्चा बादाम अंबर काचे डाइको बुबु वचा बादाम अंबर काचे बाब छुटू कच्चा बादाम। गाइज यहाँ पर हमको एक वेट मिला है जो कि काम आता है ट्रैक्टर या ट्रक्स के आगे रखने के लिए, जिससे कि वो उठे ना। और इसमें बहुत ज्यादा वजन है, घर जाके आपको इसका वजन करके दिखाएंगे, बहुत वेट है। रख दो रख दो रख दो। लगातम लग रहा हूँ। गाइज यार क्या बताएं, इस थंबनेल के लिए कचरे के अंदर ही पड़ना पड़ता है, कचरा नहीं है गाइज, ये कबाड़ है। तो गाइज हाथों की हालत आप लोग देख सकते हो, अब हम जो है कबाड़ को लेकर के घर निकल रहे हैं और आपसे मिलेंगे अब कल। गाइज फाइनली 2 दिन ढूंढने के बाद में यहां पर है वो सारा सामान जो कि हमको मिला है। और गाइज इस बार तो यार वास्तव में पिछली बार से भी मस्त वाला खजाना मिला है। पिछली बार जो है थोड़ी बेसिक चीजें थी, लेकिन इस बार जो है एक एडवांस वाली चीजें भी हमको यहाँ पर मिली है कुछ कुछ। जैसे यहाँ पर ये स्टोव्स हमको मिले हैं, आप लोग देख सकते हो, जो कि पहले के टाइम में काम आते थे, केरोसिन से चलते थे, अभी पता नहीं कोई यूज करता है नहीं करता, हम लोग पहले करते थे। ये है गाइज एक इस तरीके का, आप लोग देख सकते हो, कुछ मोटी लोहे की लाव या रस्सी समेटने के लिए, यानी कि बहुत हैवी चीज को पुल करने के लिए। कार की हेडलाइट यहाँ पर हमको मिली जो कि एकदम ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, गमले लगाने के लिए जो है, सोचो ये कबाड़ में पड़ा हुआ था लेकिन हम इसको उठा करके ला चुके हैं। ये है गाइज एक बहुत ही मज़ेदार सा दिखने वाला थोड़े से पुराने ज़माने का लैंप,
तो इसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे या देखते हैं, लेकिन दिखने में बड़ा ही शानदार लग रहा है, अभी तो गंदा हो रहा है। और सारी चीज़ों की फिलहाल यही हालत है। ये जो लैम्प्स है देखो भाई, ये किस ज़माने का, देखो इसकी हालत ऐसे लग रही है, पता नहीं कितने टाइम से जो है ये रखे हुए हों, लेकिन पहले ये सब काम आते थे जब घरों में जब बिजली नहीं होती थी, जब बल्ब नहीं जलते थे या CFL नहीं थी, उस टाइम पर ये लैम्प के अंदर आग जलती थी केरोसिन से और ये चला करते थे। इसके अलावा गाइज यहाँ पर एक हमारे पास में प्रेस भी है, आप लोग देख सकते हो, जो कि कोयले वाली है, तो इसको भी काम कराने की कोशिश करेंगे। ये एकदम सिंपल सी कोयला चाहिए इसके लिए। और आप लोग देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। एक हैंड पंप जो कि फिलहाल यहाँ से टूटा हुआ है और इसको किसी ने कबाड़ में दे दिया है, पता नहीं काम करेगा या नहीं, ये तो बाद में पता लगेगा। ये साइकिल जो है वो भी हम लेकर के आए हैं। कुछ चीज़ें इसके अंदर भी हैं, आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर कुछ टूल्स वगैरह, जैसे इसके अंदर एक जो है प्लायर है, इसके अंदर ये कारीगर वाली करनी है, छोटी भी है बड़ी भी है, तो भाई खजाना मस्त है ना। अब इस पूरे सामान को करते हैं तैयार ताकि इनको यूजेबल बना सके। और आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना गाइस। तो गाइज फाइनली ट्रेजर हंट के पार्ट टू कबाड़ वर्जन का निचोड़ आ चुका है। सारी जो चीज़ें हैं वो हमने तैयार कर ली हैं। आपको दिखाते हैं कि क्या कमाल हमको मिला है गाइज। वास्तव में यार मेरी जो थिंकिंग थी ना वो ही बदल चुकी है फिलहाल जो कबाड़ होता है उसके लिए, क्योंकि एक्चुअली में जो कबाड़ है ना उसके अंदर आधी सी चीज़ें तो काम की होती हैं लेकिन वो हमको दिखता नहीं है, या हम ध्यान नहीं देते, या फिर हम पुरानी के चक्कर में उसको लेके नहीं आते कि यार ये तो जो है किसी की डिस्कार्ड करी हुई है। लेकिन जब हमने ऐसा किया तो भाई मुझे तो बहुत ज्यादा चंबा सा हुआ कि यार क्या क्या है। तो गाइस यहाँ पर है सारा का सारा ट्रेजर, सारा खजाना जो कि हम कबाड़ में से लेकर आए हैं, और हमने सारी चीजों को यूजेबल बना दिया है। कुछ चीजें यूजेबल ऑब्वियसली नहीं बन पाई है, लेकिन ज्यादातर चीजें फिलहाल एकदम मस्त हो गई हैं। तो गाइस शुरुआत करते हैं इस चीज के साथ में। ये है गाइस एक हैंड पंप, वही गदर मूवी वाला। और आप लोग देख सकते हो जब हम इसको लेकर आए थे गाइस ये बिल्कुल हालत खराब थी, लेकिन अभी देखो क्या मस्त लग रहा है, पेंट वेंट करके मस्त हो गया। और मुझे लग रहा था ये शायद काम नहीं करेगा, इसमें बोल्ट वगैरह नहीं थे, हमने ये दूसरे डाल दिए। और अब देखो हमने जो है इसके नीचे ये पानी लगा करके टेस्ट भी किया है, ये जो एकदम बढ़िया से काम करता है, पानी भी देता है। तो यार देखो कमाल की चीज है, कहीं पर भी काम आ सकता है। और एक किलो के भाव के हिसाब से लेके आए हम, तो सोचो। ये है गाइस एक फ्लाई व्हील, जो कि आप बता देना इसके साथ क्या एक्सपेरिमेंट करना है तो वो भी हम कर देंगे। और ये जो है काफी मस्त लग रहा है फिलहाल, वेट काफी है। यहाँ पर हमको फिर से मिल चुके हैं मेजरिंग फ्लास्क, लेकिन गाइस इस बार जो है साइज अलग मिला है। ये वाला पिछले बार से छोटा और ये तो जो है काफी बड़े साइज का है। दोनों लीक नहीं कर रहे, हमने टेस्ट कर लिया। अब किसी ने तो फेंक दिया था लेकिन हम इनको यूज लेंगे। इससे आगे गाइस एक गैस स्टोव, एक्चुअली गाइस ये गैस स्टोव नहीं है, केरोसिन स्टोव है, जो कि केरोसिन या फिर डीजल वगैरह से चलता है। इसको जो है चलाने की अभी हमने कोशिश तो नहीं करी है, लेकिन हमने इसको जो है साफ ऑफ करके रेडी कर दिया, क्योंकि इसका ये जो वॉल्व है ना ये हमको नहीं मिला था, तो वॉल्व हमको खुद को बनाना पड़ेगा, फिर शायद ये स्टोव जो है काम कर जाएगा। सिंपल सी चीज़ है तो ये तो काम कर ही जाएगी। इससे आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पर है एक बर्तन, सिंपली यूज आ सकता है कुछ भी। ये है एक गियर, लेकिन अब मुझे नहीं पता गाइस ये कहाँ पर यूज आएगा, लेकिन लोहे का है, मजबूत सी चीज़ है, तो इसको रख लेते हैं। यहाँ पर है बहुत सारे टूल जो कि हमको मिले हैं कबाड़ के अंदर। गाइज शुरुआत करते हैं इसके साथ में। ये है कैंची, ये है एक लाइटर जो कि काम कर रहा है। ये है गाइज, वैसे तो ये यूज़ आता है रेलिंग वगैरह में जो SS की लगती है, लेकिन यहाँ पर एक झुंझुने का यूज इसको बढ़िया से ले सकते हैं। ये है एक कुदाली का आगे का हिस्सा लोहे का, इसके अंदर जो है एक लकड़ी या लोहे का हत्ता डालना पड़ेगा और ये बढ़िया से काम करेगा। इसके बाद में एक चाकू, यहाँ पर है एक कारीगर की छोटी वाली करनी, ये है बड़ी वाली करनी, स्क्रैप में पड़ी थी, हमने इसको जो एकदम चमका दिया है बढ़िया से, आप देख सकते हो कोई दिक्कत है नहीं। ये है एक आरी जिसके सिर्फ दो या तीन जो दांत हैं वो टूटे हुए, बाकी एकदम बढ़िया है, हमने पेंट वेंट कर दिया है। ये है एक दूसरी आरी जो कि लोहा काटने की यूज़ आती है। और सोचो यार देख करके लग रहा है कहीं से कि ये जो है यूज्ड है या फिर ये कबाड़ से उठाई हुई है,
अब गाइस सोचने की बात ये है, इसमें मान लो अगर इसमें 100-150 ग्राम वजन है तो ऑब्वियसली हमको 5 या 7 रुपए की मिली होगी। अगर मार्केट में लेने जाएंगे ना तो लगभग जो है 100-150 रुपए की मिलेगी। सोचो 10 गुना 15 गुना सस्ती चीज़ हमको मिल जाती है कबाड़ के अंदर। चलो और आगे जो है और टूल्स हैं, यहाँ पर एक प्लायर है जो कि आप लोग देख सकते हो बढ़िया से पूरा काम कर रहा है। ये एक और चीज़ है जो कि ट्रैक्टर वगैरह में यूज़ आ सकती है गाइस। ये एक लोहे की जंजीर है जिससे कुत्ता या फिर भैंस बांधी जा सकती है। हमारे पास में गाइस भैंस तो नहीं है और देखते हैं क्या इसको यूज़ लेंगे। भैंस की है, बड़ी वाली है। इसको जो है गाइस किसी को दे सकते हैं अपने गांव में जिसके यूज़ आ जाएगी। वही बात है, हमारे तो वही ये कोई 10-12 रुपए की पड़ी है। ये है एक चेन सो की ब्लेड, आप लोग देख सकते हो। ये है क्लिंग रैप जो कि पैकेजिंग में यूज़ आता है। हाँ अब देखो गाइस, अब जो है एकदम बढ़िया जो क्लिंग रैप है वो आ रही है और काफ़ी सारी है इसमें। तो ये जो है पैकेजिंग में काम आती है। इसके अलावा गाइस ये है वो बंदूक चिटपटी छुड़ाने वाली। यहाँ पर कुछ जो है कॉपर का वायर है, कहीं भी यूज़ आ सकता है। एक छलनी है जिसमें कुछ छेद हैं लेकिन फिर भी यूज़ आ सकता है। ये है L-Keys 2। अब ये जो है ना गाइस, अगर ये कीज लेने जाएंगे तो आप दोनों को मान के चलो कि लगभग 80-100 रुपए की आएंगी, लेकिन स्क्रैप में इनके वेट के हिसाब से शायद हमको 1-1 रुपए की पड़ी होंगी। बस सोचो कितना डिफरेंस है भाई। यहाँ पर एक संदूक जो कि हम तो तोल के भाव लाए, लेकिन ये जो है वैसे एकदम सही है, बस ऊपर से थोड़ी मुड़ी हुई है। लेकिन आप लोग देखो इसमें जो है कहीं से भी कुछ खराबी वैसे नहीं है। तो इसको भी कहीं ना कहीं कुछ कबाड़ का सामान या कुछ ऐसा सामान टूल्स वगैरह रखने के लिए यूज़ ले सकते हैं। ये है फिर से एक वायर ऑर्गेनाइजर, इस बार बड़े साइज़ का है। यहाँ पर है एक पुराने ज़माने का लैम्प। देखो ये जो है केरोसिन से चलने वाला लैंप है। अब इसको हमने चालू तो गाइस करके नहीं देखा, लेकिन इसका ये जो है जो प्रेशर देने का अंदर का वॉल होता है ये बढ़िया से काम कर रहा है। अंदर देखो दबाव मान रहा है, तो देखते हैं कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है। काम नहीं भी किया तो डेकोरेटिव आइटम का यूज़ ज़रूर हो जाएगा। ये है एक बाल्टी, एकदम बढ़िया बाल्टी है, कहीं से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप देखो अब तो जो है एकदम नई लग रही है, ग्रीन कलर करने के बाद में ऐसा लग रहा है कि एकदम नई आई है। इसको गाइस इसको तो नए में बेच सकते हैं मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं लग रही। ये है एक बाइक का ORVM, कहीं से टूटा नहीं है, कबाड़ में पड़ा था हम ले आए। ये है गाइस कुछ मज़े लेने के लिए ऐसे रील्स वगैरह जो कि पहले के टाइम में यूज़ आती थी। इंस्टा वाली रील नहीं, जो पहले टाइम में यूज़ आती थी रील, गाना वगैरह सुनने के वो वाली। ये है गाइस 2 चार्जर जिसमें से जो ब्लैक वाला है ये काम कर रहा है। सोचो 98-94 का आया होगा बस और ये वाला जो है काम नहीं कर रहा है, लेकिन गाइस 2 में से 1 भी की हमको क्या ही दिक्कत है। ये है एक प्रेस जो कि शायद आज तो ज़्यादा लोग यूज़ नहीं लेते, लेकिन ये कोयले से चलती है और एकदम हैवी ड्यूटी बिल्कुल लोहा है। इसमें कोयला डाला जाता है, ये गर्म हो जाती है और तब जो है इससे इस्त्री करी जाती है। यहाँ पर ये आगे जो है टूटी हुई थी, ये इसमें से हटा हुआ था, हमने इसको भी फिक्स कर दिया। और इसका जो कलर है इस पर हमने गाइस पेंट नहीं किया जानबूझ करके, क्योंकि अगर इसमें कोयला जो है डलेगा तो इसका जो पेंट है ना वो जल जाएगा, कपड़े को भी ख़राब कर सकता। तो इसके ऊपर पेंट नहीं होएगा, इसको तो ऐसे यूज़ लेना पड़ेगा। ऐसे रखो और आराम से चलाओ, मज़े लो। चलो इसको रखते हैं गाइस। ये है एक वेट जो कि है बहुत भारी। अब इसका वेट भी करेंगे, इसका वेट करते हैं, वेट मशीन लेके आओ गाइस। ये जो वेट है ना ये ट्रैक्टर वगैरह में यूज़ आता है, जब पीछे ट्रॉली में बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है ना तब इसका इस्तेमाल होता है, जिससे ट्रैक्टर आगे से ना उठे। आपने देखा है जो कुछ ट्रैक्टर होते हैं दारा सिंह बने होते हैं, आगे से ऐसे 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 करके चल रहे होते हैं। देखिए भगराए से काट रही है वो उनको, ले भैया वो उनको, ले भैया वो, ये उनको रोकने के लिए होता है। उठाते हैं इसको और बहुत वजन है। और गाइस देखो इसके अंदर वेट है 53 किलो, 53 kgs का जो है ये है। इससे आगे ये जो है ट्रक का एयर फिल्टर है, लेकिन हम इसको एयर फिल्टर नहीं बल्कि बैठने के लिए इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हो बढ़िया जो है मेरा वजन इस पर आराम से आ रहा है। गाइस ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई दी हैं। एक हमको सीट बेल्ट मिली थी यहाँ पर जो किसी चीज़ को बांधने वगैरह काम आ सकती है। और ये है एक बैटरी, ये है एक बाइक की बैटरी जो कि किसी ने कबाड़ में पटक दी थी, लेकिन ये जो है बढ़िया से चलती है। और क्या बचा है भाई, बहुत सारी चीज़ें यार गाइस मैं ही कंफ्यूज हो गया। ये है 2 गमला लगाने के लिए इस तरीके के स्टैंड जो कि फिर से लोहे के भाव हम लेकर के आए हैं। ये जो है ना उल्टे गढ़ते हैं, ये जो है जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो अंदर की तरफ होता है और हमने दोनों पे पेंट कर दिया, तो ये भी जो है फिलहाल काम की चीज़ बन चुकी है। इसके अलावा एक यहाँ पर हमारे पर टायर है, एक छोटा टायर है। और ये है गाइस मेरी आज की सबसे फेवरेट चीज़,
जो कि है एक साइकिल। फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये आई है स्क्रैप से, ये आई है कबाड़ से। यहाँ से आपने देखा होगा ये मुड़ी हुई थी, तो यहाँ पर हमने इसका जो चिमटा है वो ही चेंज करा दिया है और अब ये जो है एकदम सीधी एकदम बढ़िया हो गई है। जो सीट थी वो फटी थी, सीट भी चेंज हो चुकी है और आप लोग देखो, और साथ में इस पर एक स्टैंड भी हमने लगा दिया, तो अब जो साइकिल है वो बढ़िया से काम कर रही है। पैडल टूटा हुआ था, पैडल लग गया, पेंट वेंट हो गया, मस्त बन गई गाइस। ये जो है स्क्रैप में वेट के हिसाब से लगभग 800 रुपए की थी गाइस, 800 में कहाँ साइकिल मिलती है। लेकिन फिलहाल ये जो साइकिल एकदम बढ़िया से चलती है, आप लोग देख ही सकते हो, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक वगैरह भी हमने ठीक कर दिए हैं इसके, ये है ना गाइस, ये चीज़ मस्त है ना। और मज़ा इस चीज़ में है कि ये, अरे 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 गाइस एक्सीडेंट हो गया गाइस, चलो कोई नहीं। इधर पे वो सामान है जो कि हमसे सही नहीं हो पाया, ये है पुराने ज़माने वाले लैंप्स। लेकिन गाइस इनके जो शीशे हैं, जो इनमें ग्लासेस लगते हैं, वो हमको कहीं नहीं मिले। खूब कोशिश करी लेकिन ये जो है बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं, आज से लगभग 15-20 साल पहले यूज़ आते थे, किसी का कुछ भी नहीं मिला। तो गाइस इनको तो हम ठीक नहीं कर पाए। ये पीपा है, कहीं भी यूज़ आएगा। ये एक फव्वारे का ऊपर का है, जो स्प्रिंकलर होता है उसका है। चल तो बढ़िया से रहा है लेकिन इसको लगाएं कहाँ पर समझ में नहीं आया। ये है एक पाइप के लिए, आप देख सकते हो, एयर वगैरह के लिए ट्रक में यूज़ आता है बेसिकली प्रेशर के लिए। ये है एक गाड़ी की हेडलाइट, लेकिन ये जिस गाड़ी की है वो गाड़ी हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर कभी आएगी तो वहाँ पर यूज़ आ जाएगी। ये है एक स्कूटर का टायर, ये है एक प्लास्टिक का पाइप, और ये है एक बहुत बड़ा टोचन करने का वायर, काफ़ी मजबूत सा। देखो ये जो लाव है कितनी हैवी ड्यूटी है, और तोल के भाव में हम लेकर के आए हैं। भाई एक बात तो है, ये थिंकिंग तो चेंज हो गई कि कबाड़ में सब कुछ खराब होता है, क्योंकि ये जो मशीन है ना, ये एकदम परफेक्टली फाइन है, इसमें किसी तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो मशीन है ये यूज़ आती है किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को खींचने में, या फिर कोई लाव वगैरह को लपेटने में, या कुएं से मोटर निकालने में, या कोई फंसे हुए व्हीकल को खींच सकते हैं, कुछ भी इससे कर सकते हैं। कैसे? ये जो है बेसिकली एक चरखी की तरह है, जैसा पतंग उड़ाने का चरखा होता है ये हिस्सा, वैसे ही इसमें जो लाव है लोहे का, जो वायर है वो इसमें लपेटा जाएगा, और ये जो हैंडल है ना इससे हम इसको घुमा सकते हैं। तो हम इसको घुमाएंगे और ये जो है घूम रहा है, आप देख सकते हो, इससे कई राउंड लेने पर ये जो है थोड़ा सा घूम रहा है। तो गाइस समझ रहे हो, यहाँ पर जो है किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से इसकी मदद से खींचा जा सकता है। इस पर कितना ही लोड डाल लो, यहाँ पर जो वजन है बहुत कम आएगा। यहाँ पर मुझे एक राउंड घुमाने के लिए इसको लगभग 25-30 राउंड घुमाना पड़ रहा है। तो अगर मान लो किसी 100 किलो की चीज़ को खींचना होगा तो हमको लगेगा कि लगभग हम जो है कोई 3 किलो की चीज़ को खींच रहे हैं उसी रेशियो में। और यहाँ पर जो क्रेजी एक्सवाइजी का लोगो है वो भी मस्त लग रहा है। इसका जो कलर है वो हमने गाइस ब्लैक एंड सॉरी रेड एंड ब्लू करने की कोशिश करी है, कितना मस्त लग रहा है ना। दोस्तों इस हैंडपंप को चलाने के लिए इसका एक हिस्सा जो है वो पानी में लगाना पड़ता है, या फिर वाटर सप्लाई जो घरों में आती थी उसमें लगाना पड़ता है, और इस साइड से इसको कुछ इस तरीके से चलाना पड़ता है। अब थोड़ी देर में जो पानी है गाइस वो ऊपर चढ़ जाएगा और यहाँ पर जो पानी है वो गाइस हमारे हैंडपंप में आ चुका है। नीचे सिंपली एक पाइप अटैच किया है, इसमें से पानी आ रहा है और यहाँ पर निकल रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो ये एकदम बढ़िया से काम करता है। अच्छा एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, किस किस ने ये हैंडपंप जो है ये चलाया है, नीचे कमेंट्स में बताना, क्योंकि मुझे लगता है पहले वाले सब लोगों ने चलाया होगा, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उन्होंने मुझे नहीं लगता कि इस तरीके हैंडपंप चलाया होगा। यार कबाड़ में क्या क्या मिलता है भाई, क्या क्या मिलता है, बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा टाइम देने की और थोड़ा सा दिमाग लगाने की, और आप जो है इस तरीके की चीज़ें अपने घर लेकर के आ सकते हो। पिछली बार जो है हमारे पैसे जितने खर्च हुए थे, इस बार उससे लगभग डबल खर्च हुए हैं। इस बार जो सामान है वो आया है लगभग 15,000 रुपये का, और हमारे पास में ये जो वेट है ना, ऐसे हम गाइस दो वेट लेकर के आए हैं और दोनों एक जैसे ही, तो हमने सोचा आपको एक ही दिखा देते हैं, और आप लोग देख सकते हो बाकी चीज़ यहाँ पर है ही। गाइस वो जो लाइक का बटन है ना उसको दबाना प्लीज़ मत भूलना। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।